हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 42 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th हमारी डेट 8 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम रिवीजन करेंगे पॉलीनोमियल्स के बारे में, ठीक है। तो जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल्स हमने पढ़ा था। जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल का मतलब क्या होता है? वो वैल्यू जो एक्स की जहाँ पर जो पॉलीनोमियल आपकी उसको सॉल्व करने के बाद जीरो आए, ठीक है ना। पूरा जो वो है पॉलीनोमियल वो हमारा जीरो हो जाए, वो वैल्यू एक्स की क्या होगी? जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल कहते हैं उसको, ठीक है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होगा? देखो रिलेशन जीरोज क्या, जो जीरोज हैं अगर हम जीरो को क्या करें, उनको जोड़ दें, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस बी बाई ए, ये होता है, ठीक है ना। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए होता है। ये फॉर्मूला होता है जो यूज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद जो पॉलीनोमियल है डिग्री पॉलीनोमियल की, जो डिग्री है पॉलीनोमियल की वो क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है एक्स की पी एक्स के अंदर, जैसे एक्स क्यूब प्लस 4x + 9 ऐसे। तो एक्स का क्यूब सबसे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है, हाईएस्ट वाले की। उसके बाद ये तीन तरह के होते हैं पॉलीनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक। क्वाड्रेटिक में क्या होगा? जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होती है, ठीक है। लीनियर में हाईएस्ट पावर 1 होती है और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होती है, ठीक है। सो यहाँ से इसका एग्जाम्पल क्या है? 2x² + 2x - 4। इसका एग्जाम्पल क्या है? 2x + 1। और ये एग्जाम्पल क्या है? x³ + 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? पॉलीनोमियल्स के टाइप होंगे। अब जी को कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो रिवाइज कर लेते हैं। वैसे आपको आते ही होंगे। जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है जनरल फॉर्म क्या होती है उसकी? a² + bx + c, ठीक है, जहाँ पे x0 नहीं होता। और पैराबोला कर्व्स क्या होते हैं? ये है आपके पैराबोला कर्व्स। जीरो से जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की वो एक्स कोऑर्डिनेट्स आर एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंटिंग y इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। फिर आते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? k² + k(α+β x + k(α β) अगर आपको प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोस दिया हो सिर्फ, ठीक है, तब हमें ये यूज़ करना है। अब चलिए हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये 5 क्वेश्चंस आपको गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कितनी होती है? क्वाड्रेटिक में क्या होता है? x² + x इस तरीके का होता है। तो जो नंबर ऑफ जीरोज है वो कितनी होती है? 2 के इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इसकी जीरोज आपको निकालनी है और वेरीफाई भी करना है जीरोज ऑफ कोफिशिएंट में रिलेशन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना था, ये आपको दिया हुआ है पॉलीनोमियल x² + 3x - 10, ठीक है। ये पॉलीनोमियल है, इसके अंदर मैं 3x को कैसे लिख सकती हूँ? 3x को मैं लिख सकती हूँ 5x - 2x, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा? x + 5। इन दोनों में से -2 कॉमन ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा? x + 5। तो x + 5 बाहर कॉमन चला गया, अंदर आ गया x - 2। तो x + 5 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे तो -5 आया, और 2 को इक्वल पुट करेंगे तो 2 आया, ठीक है। अब देखो जो अल्फ़ा है वो -5 निकलाया और जो बीटा है वो 2 निकलाया। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या करेंगे यहाँ पे? इनको ऐड करेंगे -5 + 2 - 3, ठीक है। उसके बाद है इसका जो ये तो हमने निकाल लिया, अब हम दूसरा जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे -b/a वाला। तो -b क्या है -3 है अपॉन में a क्या है 1 है -3/1। तो ये क्या हो जाते हैं? मैच हो जाते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज तो ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज चेक करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -5 × 2 - 10, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा से फिर से इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? c/a होता है, तो -10/1, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ जीरोज पता लग जाएगी और हम लास्ट में लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड, ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ़ 1 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स -3 × a - 1x - 1, देन द वैल्यू ऑफ ए। ये आपको पॉलीनोमियल दिया है, इसमें आपको ए की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन थ्रू। तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है? ए की वैल्यू निकालनी है। ये आपको पॉलीनोमियल दिया हुआ ax² - 3 × a - 1x - 1। सो यहाँ पे जो पॉलीनोमियल है 1 उसने जीरोस बोला है, तो मतलब मैं जहाँ पे अगर x की जगह 1 पुट करूँगी ना तो ये पॉलीनोमियल 0 आएगा, ठीक है। सो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। ए की वैल्यू आपको निकालनी है। इधर क्या हो जाएगा? ए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -3a - - प्लस, ठीक है, +3। उसके बाद यहाँ पे क्या है? -1 है। अब यहाँ से a - 3 क्या हो जाएगा? -2a, और 3 - 1 क्या होता है? 2 होता है। तो -2 इसमें से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बचा है हमारे पास? a - 1 = 0, a - 1 = 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी +1, ठीक है। a ही हमें निकाला था, फाइंड आउट कर लिया हमने, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
जो क्वेश्चन फोर क्या है उसमें करना है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, ये आपको दे रखी है टर्म्स, ठीक है, और इसकी जो जीरोज है वो भी निकाल दिए। चलिए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसको आप पहले तो पॉलिनोमियल बनाना है, तो पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है, ये होती है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, और इधर क्या लेते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपको माइनस टू रूट थ्री दिया है और अल्फा इंटू बीटा आपको माइनस नाइन दिया, बस इसकी जगह वैल्यूज पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री और इधर क्या हो जाएगा माइनस नाइन, इतना हो गया। उसके बाद है आपको क्या करना है, इसकी जीरोज भी निकालनी है, तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमने जीरोज निकाली है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया, जीरोज निकाली है तो टू रूट थ्री को वैसे लिख सकती हूँ, देखो थ्री में से एक रूट थ्री गया तो टू रूट थ्री बचे ना, रूट थ्री एक्स और थ्री रूट थ्री एक्स, सो यहाँ से इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सो यहाँ से क्या कॉमन ले लिया मैंने, एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा एक्स प्लस रूट थ्री, यहाँ से थ्री रूट थ्री कॉमन ले लिया, क्या बचा एक्स प्लस रूट थ्री, ठीक है, सो यहाँ से इधर से क्या कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस रूट थ्री और इधर से क्या कॉमन हो जाएगा एक्स माइनस थ्री रूट थ्री, सो एक बार इसको जीरो रखेंगे एक बार इसको जीरो रखेंगे, यहाँ से क्या आया माइनस रूट थ्री, यहाँ से क्या आया थ्री रूट थ्री, बस सिंपल, ठीक है। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन जिसमें आपको क्या करना था, पहले आपको इक्वेशन बनानी थी पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं और उसके बाद आपको उसकी नंबर ऑफ जीरोज निकालनी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हमारे आखिरी प्रश्न पे। आखिरी क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो प्रोडक्ट है जीरोज का पॉलिनोमियल की, ठीक है, वो फोर है तो वैल्यू निकालनी है ए की, कैसे करेंगे इसको, देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल की, ये जो पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस, इसकी जो प्रोडक्ट है जीरोज की, ठीक है, अल्फा इंटू जो बीटा है वो फोर गिवन है आपको, तो वैल्यू निकालनी है ए की, कैसे निकालेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव। सो यहाँ से देखो जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये आपके पास क्या है पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में अल्फा इंटू जो बीटा है वो किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के इक्वल होता है, सी क्या है सिक्स, ए क्या है हमारे पास फॉर, हमें फाइंड आउट करना है जो किसके इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल है, फोर के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से ए क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, फोर नीचे आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री बाई टू आ जाएगा, जो कि क्या है हमारा, जो हमारी वैल्यू है ए की, ठीक है। तो ये फाइव क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में आपको करने थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।